आइन का आर्टिकल 19 हक़े राय आजादी की बात करता है और फिर उसी हक के इस्तेमाल पे पसे जंदा डाल दिया जाता है। जहां आइन का आर्टिकल 25 यकसा हुकूक की बात करता है तो जनाबे स्पीकर वही एक आम आदमी को एक छोटे से जुर्म में भेड़ बकरियों की तरह हांग कर वहशियों की तरह मार कर जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, जबकि अशराफिया कत्लो गारत चोरी डकैती और करप्शन पे फतह का निशान बनाकर शाही प्रोटोकॉल में घर चला जाता है। जनाब स्पीकर जहां आईन मुफ्त और लाजमी तालीम की बात करता है वहां 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे तालीम से महरूम हैं, स्कूलों से बाहर है। अगर मुझे बागी कहो, मुझे गद्दार कहो, मैं सवाल करूंगा, मैं जवाब मांगूंगा, मैं आईना दिखाऊंगा जनाब स्पीकर, क्योंकि अगर आईन पे अमल होता तो 71 में इलेक्शन जीतने वालों को मुल्क सौंप कर मुल्क के 2 टुकड़े होने से बचाया जा सकता था। 75 साल से रो रहे हैं, चीखते चिल्लाते हुए आहो बका कर रहे हैं, मगर कोई समझ नहीं आ रहा जनाब स्पीकर के किसके सामने रोए, किसको अपनी फरियाद सुनाए। कैफियत ऐसी है नाकामी की इस तस्वीर में जो उतर सकती नहीं आईने तहरीर में। जो आसमां होगा सहर की नूर से आईना पोश, आसमां होगा सहर की नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा बिपा हो जाएगी। शबनम अफशानी मेरी पैदा करेगी सोज-ओ-साज, इस चमन की हर कली दर्द आशना हो जाएगी, इस चमन की हर कली दर्द आशना हो जाएगी।